एक न्यूज़पेपर है जो वाराणसी आरओ की जो भर्ती है ना सितंबर में, मतलब सितंबर से होने वाली थी, तो उस न्यूज़पेपर में बता रहा है ना 1 नवंबर से भर्ती शुरू होगी। तो अभी वो न्यूज़पेपर का कटिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और एक बात और बता दे रहा हूँ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना यूट्यूब पर, तो कुछ लोगों को लगता है कि मतलब यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, तो कमेंट जो यूट्यूबर रहते हैं सब, छोटे मोटे यूट्यूबर रहते हैं सब ना, वो बोलते हैं सब कि भाई अपने पैसे के बारे में बता दो यार, तुम्हारा पैसा हम ले थोड़ी लेंगे। तो सुनो यार भाई, मैं अभी यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं कमाया हूँ, ठीक है ना, और जब कमाऊँगा ना तो मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन जब मैं कमाऊँगा ना तो मैं बता दूंगा कितना पैसा कमाता हूँ। और पता है जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, ये चैनल बस उन लोगों के लिए है। तो वो लोग पता है क्या बोलते हैं, हमको पता रहता है यार, तुम लोग जितने भी गलत कमेंट करते हो ना, तो वो लोग यूट्यूबर हैं और छोटे छोटे चैनल बनाकर बैठे हैं सब, तो वही लोग बस गलत कमेंट करते हैं। ये सोचते हैं ये बंदा तो सब कुछ सही बता देता है, कोई भी भर्ती आता है तो बता देता है कि हाँ यहाँ पर भर्ती आई हुई है। और कुछ लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि हम भर्ती देखने अभी गए थे ना बीएजी सेंटर रुड़की में, हम और पवन भाई, तो हम तो बताए ही थे कि हाँ पवन भाई भी है और हम भी भर्ती देखने गए हैं। तो वहाँ एक बंदा कमेंट किया था कि तुम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए गए थे। तो देखो यार भाई, अब इस तरह मैं रिप्लाई करता रहूँगा तब तो मैं कुछ भी कर नहीं पाऊँगा। तो इन लोगों से, तुम लोगों के लिए बस एक ही बात है भाई, 100 की सीधी बात, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मतलब मैं गलत बंदा हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ तो जैसे मैं अपने फायदे के लिए बनाता हूँ, तो मत करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब यार। अगर लग रहा है ना कि मैं गलत बंदा हूँ, जैसे वीडियो बस पैसे के लिए बनाता हूँ या कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मत करो शेयर, ठीक है ना। मैं ये चैनल बस उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो बहुत जानकार है, उसके लिए नहीं बनाया हूँ। जो भाई, जिस भाई को कुछ नहीं आता, इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, दौड़ता है, हमें पता है कि सभी गरीब फैमिली के ही रहते हैं सब, और कोई झूठा एड्रेस बता देता है कि यहाँ भर्ती आ चुकी है तो वहाँ पर चले जाते हैं सब। उधर पता है कितना पैसा खर्च होता है आने जाने में, वहाँ पर रहने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो इसलिए मैं ये चैनल बनाया हूँ। और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं कई दिन से देख रहा, 1-2 महीने से देख रहा हूँ, ऐसा कमेंट आते रहता है, हमेशा 1-2 लोग करते रहते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं ना, उन लोगों के लिए चैनल नहीं है। जितने भी भाई मन से तैयारी करते हैं इंडियन आर्मी की, देखो हम लोग भी तैयारी करते हैं और हम लोग दर्द समझते हैं तैयारी करने वाले भाइयों का। और ऐसा नहीं, हम लोग करोड़पति हैं, लाखपति हैं, एसी में बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा है, ठीक है ना। हम लोग ग्राउंड, ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना, सुबह शाम सिर्फ ग्राउंड पर दौड़ते रहते हैं और अपना बस तैयारी करते हैं। फालतू जैसे तुम लोग कमेंट करते हो ना किसी पर, मतलब हम लोग आवाज़ भी नहीं उठाते कि हाँ, कमियाँ भी नहीं निकालते हैं कि तुम्हारे में ये कमी है, वो कमी है। देखो भाई, मतलब कोई कोई गाली भी दे देता है कि साला तू सिर्फ वीडियो बनाता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसा बोल देते हैं सब। और मैं इग्नोर करते रहता हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हद हो गया यार। अभी बहुत सारे राज, पता नहीं क्या क्या नाम का फेक आईडी रहता है, तो वो बार बार कमेंट नहीं आता है, 1-2 कमेंट आता है। तो उन लोगों से बस एक ही बात कहूँगा, तुम लोग हमारे चैनल पर नहीं रहना, ठीक है ना। और एक बात और जान जाना, जितना सीधा दौड़ने वाले भाई जितना सीधा रहते हैं सब ना, उतना टेढ़ा भी रहते हैं सब। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, कभी भी देख लेना, कहीं भी देख लेना। और ये जो मैं आप लोगों से पहले बताया हूँ, सितंबर में जो भर्ती हो, जो बता रहे हैं सब आरसीआरओ की भर्ती टल गई है, सब लोग स्टेटस लगा रहे हो कि हाँ सितंबर में जो भर्ती होने वाली थी टल गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। वो जो दिखा रहा है 1 नवंबर से ना, पहले इसको देख लो, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सब 2019 का है, 2018-19 का है, तो इसको लेकर आप लोग अफवाह फैला रहे हो, बोल रहे हो कि सितंबर में भर्ती टल गई है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप लोग अपना तैयारी करते रहो, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नहीं दिखा रहा है, ये पहले आप लोग इसको देख लो। यही जो आप लोगों के सामने दिख रहा है ना, यही चार्ट पेपर है, न्यूज़पेपर है, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और सभी लोग जितने भी दौड़ने वाले भाई हैं, देख रहा हूँ कि स्टेटस लगा रहे हैं सबकी, बनारस की भर्ती टल गई। पहले उसको आप लोग अच्छे से देखो, उसके बाद से स्टेटस लगाओ यार। जब आप ही लोग ऐसा करोगे तो फिर यूट्यूबर जो बताने वाले रहेंगे वो लोग तो बताएंगे ही, तो ऐसा आप लोग करो नहीं। किसी वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है, अभी मैं चेक किया हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है। बस जैसे मैं लगाया तो मेरा देखकर ये लगा दिया, इसका देखकर वो लगा दिया, ऐसे बस हो रहा है। चलो ठीक है भाई लोग, आप लोग अपना तैयारी करते रहो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ ये बंदा सही है, तभी यार हमको सपोर्ट करना। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि ये बंदा गलत है, वीडियो बनाता है, मतलब अपने फायदे के लिए बनाता है, तो नहीं सपोर्ट करना यार। देखो हम लोगों का बस एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, इंडियन आर्मी। और ये सब रहता है ना, यादगार रहता है, और ये मतलब ये रहता है कि पर्चे बने रहेगा, मतलब ऑल इंडिया में जैसे भाई हमसे जुड़े रहेंगे सब, एक पहचान बनी रहेगी, पहचान से बड़ा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये सब चैनल बनाया हूँ। और बहुत लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, भर्ती देखते हैं सब लेकिन कुछ पता नहीं रहता है, तो जितना मैं ये भी नहीं बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा आता है, जितना हमें आता है उतना मैं बता देता हूँ, तो इसलिए ये चैनल बनाया हूँ। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद।